तो भाई ये है iPhone 13। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 13 की। क्या आपको iPhone 13 जो है भाई 2024 में कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए iPhone 13 में भाई हमें तमाम वो सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो हमें एक लेटेस्ट जनरेशन के iPhone 14 और iPhone 15 में देखने को मिलते हैं। और बात करें इसके सेकंड हैंड प्राइस की, तो जो iPhone 13 है भाई वो आपको इजिली 39 से लेकर 44,000 तक की रेंज में देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में iPhone 13 चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब कर लेते हैं iPhone 13 का कैमरा टेस्ट एंड देखते हैं कि जो iPhone 13 है भाई उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो 2024 में कैसे आती है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो जो भाई iPhone 13 है उसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है भाई iPhone 14 और iPhone 15 की तरह, उनमें कोई भी ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो जो iPhone 13 है भाई उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड पर हमें जो है ग्लास देखने को मिल जाता है एंड जो साइड क्रोम है भाई वो हमें एल्युमिनियम की देखने को मिल जाती है। सो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा स्पेक की। तो जो iPhone 13 है भाई उसकी बैक साइड पे जो हमें 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वन जो है हमारा वाइड एंगल कैमरा, यानी कि जो हमारा मेन कैमरा होता है वो आता है 26mm डायनेमिक रेंज के साथ एंड जो सेकंड कैमरा है दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का ही है और आता है 13mm डायनेमिक रेंज के साथ। सो चलिए भाई अब कर लेते हैं iPhone 13 का कैमरा टेस्ट एंड सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे भाई इसका वीडियो मोड एंड देखते हैं कि वीडियो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें जो iPhone 13 है भाई वो मैक्सिमम 4K 60fps तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, जो iPhone 13 है भाई उसमें हमें टू मोड मिल जाते हैं जिसमें हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 0.5x एंड 1x। सो चलिए अब कुछ वीडियोस के सैंपल आपको दिखाते हैं जो iPhone 13 से शूट किए गए। एंड वन मोर थिंग भाई, iPhone 13 में जो हमें सिनेमैटिक मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है जिससे जो आप कमाल की सिनेमैटिक वीडियोस को शूट कर सकते हैं। सो चलिए आपको कुछ सिनेमैटिक मोड के सैंपल दिखाते हैं जो iPhone 13 से शूट किए गए। एंड नाउ कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सो भाई अब कुछ फोटोज क्लिक करते हैं iPhone 13 के पोर्ट्रेट मोड में एंड देखते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो iPhone 13 है भाई इसमें हमें कोई भी टेलीफोटो लेंस का फीचर नहीं देखने को मिलता और जो इसका वाइड एंगल है भाई उसमें ही हमें जो इसका पोर्ट्रेट मोड वाला फीचर मिलता है। तो इसलिए iPhone 13 से जो हम ओनली 1x वाला पोर्ट्रेट फोटो ही क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं जो iPhone 13 से शूट किए गए। एंड फाइनली कम टू द नॉर्मल फोटो मोड। सो भाई अब कुछ फोटोज क्लिक करते हैं iPhone 13 के मेन कैमरा यानी कि जो हमारा वाइड एंगल कैमरा होता है एंड देखते हैं कि नॉर्मल फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो iPhone 13 है भाई उसमें हमें टू मोड मिल जाते हैं नॉर्मल फोटो में भी 0.5x एंड 1x। सो चलिए कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। तो भाई ये था iPhone 13 का कैमरा रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट आप किस iPhone का कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो